हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और आज हम शुरू करने वाले हैं थ्योरी ऑफ सुसाइड। उम्मीद है कि आपने पिछले सेशंस, पिछली थ्योरीज इमाइल डर्कहाइम की देख ली होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन। जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो तुम? सब्सक्राइब करें और आगे आप पढ़ते रहें इसी तरीके से। आज दो सेशन हैं आपके, एक ये है और एक अभी शाम को होगा 7 बजे, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी इन आफ्टरनून, ठीक है? तो मेरा नाम है रमा शर्मा और मैं आपको यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल फ्री करा रहे हूँ। और जिससे कि बाकी, मतलब जो बच्चे जिन तक एक्सेसिबल नहीं हैं चीज़ें, उन तक भी चीज़ें पहुँच जाएँ, ठीक है? चलिए और शुरू करते हैं। अच्छा, आज हम थ्योरी ऑफ सुसाइड करने वाले हैं। तो किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ये टॉपिक अगर आपने पहले पढ़ा है और समझ में नहीं आया है तो भी बता दीजिएगा। और इस टॉपिक में बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर हमें PhD नहीं करनी है, क्योंकि सुसाइड को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर डर्कहाइम का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक है? वी विल सी डर्कहाइम्स सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। ऑफ सुसाइड। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है? और सुसाइड वर्ड तो आपको दिख ही जाएगा, वो डायरेक्टली आपसे सवाल पूछेंगे। अब देखो, किसी भी समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किसी भी समाज की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है, ठीक है? और हमारे समाज में सुसाइड अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है? यहाँ पर दिक्कत आती है कि जब आप सोशल प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते, ठीक है? जब आपके पास सोशल प्रॉब्लम्स का कोई भी इलाज नहीं होता, ठीक है? जैसे कि लॉन्ग हॉट समर आई थी 2000 में, साल 2000 में, और अभी भी हम इनको देख रहे हैं। ये लॉन्ग हॉट समर की वजह से क्या हुए? ड्रॉट्स आए, ठीक है? ड्रॉट्स आए, यानी कि जिसको सूखे की स्थिति कहते हैं। और इसने एक अनयूजुअल स्पर्ट, यानी कि आपने सुसाइड के केसेस में डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेट जो है, सुसाइडल रेट आपने बढ़ते हुए देखा। ये चीज़ें हमने अलग 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 जगह पर देखी। ये चीज़ें हमने देखी 1997-1998 में, जब मास सुसाइड करी फार्मर्स ने महाराष्ट्र और अपने ये विदर्भ वाले रीजन में, ठीक है? इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोगों की सुसाइड जो थी, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने जो सुसाइड करी थी वो लोग मर भी चुके थे और काफ़ी सारे लोग जो हैं बच भी गए। सो देयर हैज़ बीन द मार्क्ड इंक्रीज इन द सुसाइड्स एंड सुसाइड अटैम्प्ट। इंडिया के रिस्पेक्ट में हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ही लिखोगे पहले, फिर हम आगे बातें करेंगे, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, NCRB का डेटा, जिसको आप पढ़ते हो, NCRB का डेटा आपके इंडियन सोसाइटी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। NCRP का डेटा ये कहता है कि काफ़ी सारे, मतलब ये जो इंक्रीज़ आप देख रहे हो ना, इंक्रीज़ तो तब है जबकि काफ़ी सारे नंबर ऑफ सुसाइड के केसेस को अंडर रिपोर्ट किया गया, मतलब कि उनकी रिपोर्टिंग ही नहीं करी गई है, मतलब उनकी रिपोर्ट्स ही नहीं हुई हैं और कारण भी नहीं जो हैं बताए गए। और दिस शोज़ नियरली 1 लाख सुसाइड्स अ ईयर। इस सब के बाद भी NCRB का डेटा कहता है कि एक साल में 1 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं पूरे भारत के अंदर, या सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसके अलावा हम लोग आगे बात करें कि बिसाइड्स जितने भी ये नंबर हैं या जितने भी हमारे नंबर ऑफ विक्टिम्स हैं, उनका जियोग्राफिकल स्प्रेड क्या है, कहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं, ठीक है? कहाँ किस तरीके के लोग ज़्यादा, एग्रीकल्चरल क्लास के, जैसे अगर हम बात करें कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, तो वो उनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस तरीके के बैकग्राउंड के लोग सुसाइड कर रहे हैं,
क्या उनका इनकम ग्रुप है, क्या उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या उनका व्यवसाय क्या है, ठीक है, उनकी उम्र क्या है, उनकी फैमिली पारिवारिक स्थितियां क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी हम सुसाइड में स्टडी करते हैं। सुसाइड के मतलब जब स्टडी ऑफ सुसाइड करते हैं तब ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे इंडिकेटर हैं, ये सब के सब इंडिकेट करते हैं कि सुसाइड्स आर नो लॉन्गर कोई एपिसोडिक अकरेंस नहीं है कि कुछ भी ऐसा हुआ और जो है लोग ने व्यक्ति ने सुसाइड कर ली। सुसाइड एक सिस्टमैटिक कैरेक्टर है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इट इज़ नॉट, ये बहुत ही छोटी छोटी लाइन्स हैं जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी जो है क्या दिला सकती हैं, एज दिला सकती हैं। सुसाइड इज नॉट एपिसोडिक अकरेंस, नॉट एन एपिसोडिक अकरेंस बट हैव अज्यूम्ड अ नियर सिस्टमैटिक कैरेक्टरिस्टिक। समझे कि नहीं समझे? इसके अलावा हम फिर आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग बात करते हैं कि जो नियर एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन है कि सुसाइड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ कंसंट्रेट, किस तरीके के एज बैकग्राउंड और सारी चीज़ों में होती है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो इट इज़ अमंगेस्ट द पुअरेस्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। समाज के सबसे गरीब से गरीब वर्ग में आप देखेंगे सुसाइड के केसेस ज़्यादा होते हैं। इट अंडरलाइंस द डीप सोशियो इकोनॉमिक रूट ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि समाज में एक तो सबसे ज़्यादा मतलब गरीब होना अपने आप में एक श्राप हो जाता है, और फिर जो है सोशियो और इकोनॉमिक, ठीक है, समाज की स्थिति और अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं क्या करती हैं व्यक्ति को सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। मीनवाइल जो जुडिशरी है उसका भी सुसाइड को लेके जो है शुरुआत में इतना कोई सुसाइड को एक ऑफेंस की तरह नहीं देखा जाता था, लेकिन धीरे 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 स्लोली शिफ्ट हुआ है और अब जो है सुसाइड आपको पता ही है सुसाइड जो है ऑफिशियली क्या है, एक ऑफेंस है, मतलब एक क्या है जुर्म है अगर आप सुसाइड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, और अगर आप बच जाते हैं, अगर आप मर जाते हैं तो भाई फिर कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, लेकिन अगर आप बच जाते हैं तो ये आपको उस जुर्म के अंतर्गत आपके ऊपर केस किया जा सकता है। तो ये इंडिया में अब हमने ये थोड़ी सी बातें कर ली हैं डेटा के साथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं डर्खाइम की। तो डर्खाइम ने अपनी स्टडी ऑफ सुसाइड में काफ़ी ज़्यादा पैराडिग्मेटिक एग्जाम्पल दिए हैं। पैराडिग्मेटिक जरूरी नहीं है जो यहाँ पे लिखा है वही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। डर्खाइम ने दिए हैं पैराडिग्मेटिक एग्जाम्पल्स। अब ये पैराडिग्मेटिक क्या होती है, तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा पैराडिग्म, ठीक है, यू गाइज मस्ट हैव लिसन अबाउट या और हर्ड अबाउट दिस टर्म पैराडिग्म। पैराडिग्म क्या होता है कोई बता सकता है? ठीक है, पैराडिग्म, पैराडिग्म का मतलब है प्रतिमान, पहले से समाज में कोई प्रतिमान स्थापित हो, ठीक है, और अगर कोई प्रतिमान स्थापित है यानी कि कोई उदाहरण, पहले से प्री सेट उदाहरण, ठीक है। तो डर्खाइम यहां पर यही बता रहे हैं कि सुनो बेटा ऐसा है कि समाज के अंदर ना सुसाइड को लेके क्या है पैराडिग्म एग्जाम्पल है, और एक सोशियोलॉजिस्ट को यही चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी थ्योरी को रिसर्च से क्या करे, कनेक्ट करे। पहले से जो है सोसाइटी के बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, डर्खाइम ये कहते हैं कि पहले से काफ़ी सारी थ्योरीज हैं सोसाइटी के बारे में, लेकिन एक सोशियोलॉजिकल रिसर्चर का यही काम है कि वो अपनी रिसर्च को, अगर वो खुद भी सोसाइटी के ऊपर ही सेम टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो अपनी जितनी भी पहली थ्योरी हैं पैराडिग्मेटिक एग्जाम्पल हैं उनको अपनी रिसर्च से कैसे कनेक्ट करें। और इस सब के साथ ही डर्खाइम ने ये बहुत ही क्लियर किया है कि ये जो स्टडी करने का मकसद है सिर्फ इतना नहीं है कि समाज को समाज की सोशल प्रॉब्लम के बारे में समझाना है, बल्कि इस स्टडी का ये भी पूरा का पूरा मतलब है, बट दिस स्टडी ऑल्सो टू सर्व एज एन एग्जाम्पल, एक सोशियोलॉजिकल मेथड, मतलब सोशियोलॉजी के अंदर एक नया सोशियोलॉजिकल मेथड हमको दिखाना है किस तरीके से आप ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स की स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो वो डर्खाइम का कहने का मतलब था। तो डर्खाइम ने सुसाइड की जितनी भी ये स्टडीज हैं उसको क्लोजली जो है रिसर्च के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया है, बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिवली कंसर्ट कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक फिनोमिना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव कॉन्क्रीट फिनोमिना है। आप ज्यूज़ के बारे में देखेंगे, डर्खाइम ज्यूज़ थे अगर आपको याद हो पहली क्लास में,
तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप देखोगे। हाउएवर डरखाइम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बताया जाता है कि डरखाइम ने क्यों इस सुसाइड के टॉपिक के बारे में स्टडी करी होगी, इट वॉज टू प्रूव द पावर ऑफ न्यू साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देती हूँ, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि ये स्लाइड हट जाएगी। डर्खाइम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर स्टडिंग सुसाइड वॉज टू प्रूव द पावर ऑफ न्यू साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, न्यू साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, जिससे कि आप ऐसे टॉपिक्स को भी क्या है, नए सोशियोलॉजिकल मेथड से क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। डर्खाइम वही कहते हैं कि सुसाइड काफी ज्यादा क्या है, प्राइवेट और पर्सनल एक्ट है, इट इज अ वेरी प्राइवेट। डर्खाइम बिलीव्ड दैट सुसाइड इज जनरली कंसीडर्ड, कि लोग इसको जनरली ऐसे समझते हैं कि ये एक व्यक्ति का खुद का पर्सनल मैटर है, प्राइवेट एंड पर्सनल एक्ट, जबकि यहाँ पे पूरा का पूरा समाज जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। डर्खाइम का मानना है कि सोशियोलॉजी हैज अ रोल टू प्ले, बट ईडी यानी कि इमाइल डर्खाइम बिलीव्ड दैट सोशियोलॉजी हैज सॉरी सोशियोलॉजी हैड अ रोल टू प्ले इन एक्सप्लेनिंग। भाई समाजशास्त्र का काम ही क्या है, जितने भी सोशियोलॉजिकल फिनोमेना हैं या जितने भी सोशल एक्ट फैक्ट्स हैं, जितने भी सोशल फैक्ट है समाज में जो घटने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो सुसाइड ही क्यों हो, ठीक है, सच सीमिंगली मतलब जो दिखने में प्रतीत होता है कि वो सुसाइड क्या है, सीमिंगली इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट, दिखने में इंडिविजुअल एक्ट है एज सुसाइड, बट ये कहते हैं कि नहीं, सोशियोलॉजी हैड अ रोल टू प्ले। और यहाँ पर ये कहते हैं कि इट वुड बी रिलेटिवली ईजी, कि यदि आप इसको समाजशास्त्र के कॉन्सेप्ट से ही क्या करेंगे, सोशियोलॉजी के डोमेन में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो इट वुड बी रिलेटिवली ईजी, समझाना जो है ईजी हो जाएगा, समझना ईजी हो जाएगा, और फिर उन चीज़ों पर पॉलिसी बनाना सरकार के लिए भी ईजी हो जाएगा। इट वुड बी रिलेटिवली ईजी टू एक्सटेंड सोशियोलॉजीज डोमेन, और सोशियोलॉजी का डोमेन भी बढ़ेगा, डोमेन इधर लिखते हो टू फिनोमिना that are readily seen as open to sociological analysis, यानी कि अब क्या हो जाएंगे, काफ़ी सारे social facts open हो जाएंगे sociological analysis के लिए। क्यों open हो जाएंगे, कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा personal, बहुत ही ज़्यादा private दिखने वाले society जैसे act को सोशियोलॉजी की मदद से आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के थ्रू आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, और सोशियोलॉजी का जो डोमेन है वो भी एक्सटेंड होगा। एज अ सोशियोलॉजिस्ट डर्खाइम जो हैं कंसर्न नहीं थे कि वाई एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल कमिटेड सुसाइड। ठीक है, डर्खाइम कहते हैं कि मेरा कोई पर्सनल रिश्ता कोई है किसी से, ठीक है, ये लिख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो भाई बाद में इसको जो है आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि एज अ सोशियोलॉजिस्ट समाज वो भाई एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना कर रहे हैं, एज अ सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं। एज अ सोशियोलॉजिस्ट डर्खाइम KHIEM डर्खाइम वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट
कंसर्न अबाउट why any specific individual, भाई उनका काम तो उसको स्टडी करना है। अब जैसे डॉक्टर का काम जो है क्या है कि उसके पास जो पेशेंट आ रहा है उसका केस समझ के बस उसका इलाज करने का है। अब भाई उसको चोट लगी, क्यों लगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब वो डॉक्टर का काम नहीं है, ठीक है। स्पेशली अब वो आज की डेट में क्या हो गया, डॉक्टर्स क्या करते हैं, थोड़ा अपने पेशेंट के साथ थोड़ा उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वाई एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल कमिटेड सुसाइड, ये दरखाइम जो है इस चीज़ से इनका कोई मतलब नहीं था। इनको तो बस ये था कि मैं बस स्टडी करूँ उसके पीछे के आस्पेक्ट्स की। दैट वॉज टू बी लेफ्ट टू साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। दरखाइम ने ये किसके ऊपर छोड़ दिया, लेफ्ट ऑन साइकोलॉजिस्ट। भाई ये साइकोलॉजी का काम है समझना, समझना कि क्यों करी होगी सुसाइड। ये काम किसका है, साइकोलॉजिस्ट का है, एक सोशियोलॉजिस्ट का नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट का काम है कि समाज में ऐसा क्या घट रहा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। डर्खाइम वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग द डिफरेंसेस इन सुसाइड रेट, ठीक है। डर्खाइम का क्या है, डर्खाइम किस चीज में इंटरेस्टेड है, इन एक्सप्लेनिंग differences कि समाज में किस किस कारण की वजह से सुसाइड हो रहे हैं। एक्सप्लेनिंग द differences इन सुसाइड rates, किस तरीके के समाज में कैसे। अब जैसे कि अभी बताया कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट है ये, ठीक है। पुअरेस्ट लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं, तो ये चीज़ें समझना, ये चीज़ें कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं समझाएगा। साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल व्यक्ति ने क्यों सुसाइड करी वो उससे इंडिविजुअल से बात करेगा, जो सुसाइड कर रहा है उससे बात करेगा, उसका कारण जानेगा। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट का काम है कि पूरे समाज के अंदर ये ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ के बारे में जानकारी लेना। सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन why one group हैड अ हायर रेट ऑफ सुसाइड। समाज में एक ग्रुप के अंदर सुसाइड रेट ज्यादा है और दूसरे ग्रुप के अंदर सुसाइड रेट कम है, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो ये समाज की स्टडी है, तो इसीलिए हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, नहीं अदरवाइज हम साइकोलॉजी ऑप्शनल पढ़ रहे होते। देन डिड अनदर, ठीक है। तो डर्खाइम जो है डायरेक्टली ग्रुप के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बात करते हैं। साइकोलॉजिकल या फिर कोई बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो इंडिविजुअल का कारण आपको बता सकता है, लेकिन डर्खाइम जो है सुसाइड को एज अ सोशल फैक्ट देखते हैं। सोशल फैक्ट है, ठीक है। और इन सोशल फैक्ट्स को द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप जो है बता सकते हैं कि वाई वन ग्रुप हैज दी हायर रेट देन दी अनदर ग्रुप, ठीक है। डर्खाइम ने इसके लिए दो तरीके जो है अपनाए कि भाई किस तरीके से आप जो है यहाँ पर ये लिखते रहिएगा जो भी मैं लिखा रही हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं कि ये आपकी स्लाइड में बना रहे, उसके लिए एक काम करते हैं इसको साथ में रखते हैं अपने, ये रहेगा तो नहीं खैर साथ में, लेकिन मैं कुछ न्यू स्लाइड्स ऐड कर लेती हूँ जिससे ब्लैंक स्लाइड्स हों। बाकी आप जो है यहाँ पर जो अभी तक लिखवाया वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डर्खाइम ने दो तरीके जो है यहाँ पर प्रपोज किए, ये अब आपके साथ रहेगा। एमाइल डर्खाइम ने यहाँ पर टू वेज टू इवेल्यूएट, ठीक है, सुसाइड रेट्स भी लिख सकते हैं आप। अब ये दो तरीके क्या हैं, ठीक है। पहला तरीका है टू कंपेयर डिफरेंट सोसाइटीज। भाई वो अलग अलग ग्रुप में देखना चाहते हैं, डिफरेंसेस देखना चाहते हैं कि सुसाइड रेट में एक ग्रुप के अंदर और दूसरे ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सो टू कंपेयर डिफरेंट सोसाइटीज, आप सोसाइटीज को कंपेयर कर लो, ठीक है, वहां पता चल जाएगा आपको कि किस सोसाइटी में ज्यादा है। और दूसरा तरीका है एवेल्युएट करने का, टू कंपेयर, ठीक है, सोसाइटीज और आप लिखिए यहां पर और अदर टाइप्स ऑफ सोसाइटीज के अलावा अदर टाइप्स ऑफ कलेक्टिविटीज। मान लीजिए वो सोसाइटी नहीं है लेकिन कोई ट्राइब है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं कलेक्टिविटीज, ठीक है। दूसरा तरीका है टू लुक एट द चेंजेस, समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, टू लुक एट द चेंजेस इन द सुसाइडल रेट,
कि सुसाइड रेट के अंदर बदलाव कहाँ रहे। या तो आप डायरेक्टली जो है पहले समाज को स्टडी करो और फिर वहां से सुसाइड का डेटा निकालो, या फिर आप सुसाइड का डेटा देखो और फिर जो है आप देखो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज आ रहे हैं इन द सेम सोसाइटी और कलेक्टिविटी। भाई ये भी तो हो सकता है ना। अब जैसे इन दोनों के ही मैं एग्जांपल देती हूँ, कलेक्टिविटीज एट सेम टाइम, सॉरी एट ओवर द टाइम। तो बेसिकली इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर बेटा ये है, एक जगह हम एक से ज्यादा सोसाइटीज की स्टडी कर रहे हैं। यहां पर मान लीजिए सोसाइटी नंबर 1 है, सोसाइटी नंबर 2 है, सोसाइटी नंबर 3 है, इनके बीच का हम कंपैरिजन देख रहे हैं, ठीक है, एज फॉर सोसाइटी, ठीक है। तो यहां पर हम अलग अलग सोसाइटीज का टू कंपेयर द डिफरेंट सोसाइटीज और डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्टिविटीज, इसके अंदर हम देख रहे हैं एक ही सोसाइटी है और टाइम 1 पे क्या था, टाइम 2 पे क्या था, टाइम 3 पे क्या था। एक ही सोसाइटी के अंदर, सेम सोसाइटी के अंदर ओवर द टाइम पीरियड 20 साल पहले क्या था, मान लीजिए जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस सोसाइटी रेट क्या था, मान लीजिए ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सोसाइटी का क्या रेट था, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में लोग क्या कर रहे थे, मतलब सुसाइड हो रही थी तो कितनी हो रही थी और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रही थी। फिर इंडिया जब प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है, फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखोगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आप आज का देखेंगे कंटेम्प्ररी टाइम में, ठीक है। तो ये तीन आपके अलग अलग टाइम पीरियड हो गए, आज़ादी से पहले, आज़ादी के तुरंत बाद कुछ समय तक, मतलब 10-20 साल का आप डेटा लोगे, और फिर कंटेम्प्ररी यानी कि जो आज चल रहा है वो। तो दो तरीके से आप किसी भी समाज में सुसाइड रेट को देख सकते हैं, उस समाज को किसी दूसरे समाज से कंपेयर करके, या उसी समाज का पुराना डेटा जो है कलेक्ट करके ये देखें कि उस समाज में पर्टिकुलरली ओवर द टाइम पीरियड कैसे चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डरकाइन बताते हैं कि सुसाइड क्या है। अब आपको जब आप ये आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सुसाइड है क्या चीज़। सुसाइड इज डेथ रिजल्टिंग ईदर फ्रॉम द डेलिबरेट एक्ट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को तबाह करने का डेलिबरेट एक्ट, यानी कि जानबूझ के करी गई ये हरकत है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, और फ्रॉम इनएक्शन When it is known that inaction will have fatal consequences, inaction मतलब कि ऐसे करके देख रहे थे हम, रेलवे ट्रैक पे जा रहे थे और जहाँ हम नहीं चाहते थे कि हम मर जाएं, या मान लीजिए कि हम रेलवे ट्रैक पे सो रहे थे। आपने वो माइग्रेशन के ये अपने कोविड के टाइम पे देखा होगा ना कि लोग माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो रेलवे ट्रैक पे सो गए थे और ट्रेन आई और काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो गई थी। कोई भी इस तरीके का एक्शन करना जिससे आपको पता हो पहले से कि इस एक्शन करने के फैटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जानलेवा दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो ये सुसाइड कहलाता है। फिर भी आप जानबूझ के वहाँ पर सोए, नो डाउट उसमें गवर्नमेंट की भी कमी रही है कि वो टाइम पे चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाई, लेकिन अभी हम सुसाइड पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट की नीतियों की बात नहीं कर रहे। तो कोई भी इस तरीके की क्रिया जिससे आपको पता हो कि उससे आपकी जान को दुष्परिणाम हो सकता है वो, या फिर जानबूझ के अपनी जान देने का, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने का तरीका, वो आपका सुसाइड कहलाता है। चार तरीके की सुसाइड जो है माइल्ड डरकहाइम ने बताई हैं, माइक्रो और मैक्रो दोनों ही लेवल पे होती हैं, यानी कि माइक्रो मतलब कि आपका इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है और मैक्रो मतलब कि सोसाइटी के लेवल पे भी हो सकता है। तो सुसाइड जो है भाई सोसाइटी के वजह से भी हो सकती हैं, जैसे सोसाइटी बहुत प्रेशर कर रही है। सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि पूरे 10-20-15 लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार आपको जो है आपके रिजल्ट्स के लिए वो कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपको रिजल्ट्स के लिए कर रही है, ठीक है, पोक कर रही है, कुछ भी कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको बुली कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, मैक्रो लेवल से। माइक्रो मतलब फिर मतलब वो चीज़ जब मैक्रो लेवल पे होती है तो वो माइक्रो लेवल पे व्यक्ति के अंदर आ ही जाती है, और जब आ ही जाती है तो व्यक्ति जो है माइक्रो लेवल पे क्या करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक हेल्दी एटमोसफेयर में, एक हेल्दी फैमिली में, एक हेल्दी ग्रुपिंग में व्यक्ति रह रहा हो और फिर भी व्यक्ति जो है मतलब बिना किसी कारण के, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हेल्दी है सब कुछ, और मतलब उसको समझने वाले भी लोग हैं, बातचीत करने वाले भी लोग हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल डिलेमा नहीं है, फिर भी व्यक्ति सुसाइड करे, ऐसा नहीं होता। तो मैक्रो लेवल से चीज़ें आती हैं, सोसाइटी के आपके एटमॉस्फेयर के लेवल से चीज़ें आती हैं, फिर व्यक्ति सुसाइड करता है। तो द नोन फैक्ट अबाउट द लास्ट फ्यू ईयर्स
अपीयर टू बी सिग्निफिकेंट पॉइंटर्स. क्या है लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने क्या चीज़ें देखी हैं? सोशल क्राइसिस हमने इंडिया के अंदर देखी है पिछले कुछ सालों में, जो काफ़ी अलग अलग तरीके की हैं. और ये सिर्फ कोविड की बात नहीं, कोविड से पहले की भी बात है, जब एम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी घट गया था. इनके मोस्ट ऑफ कॉजेज लिस्ट टू ऑफिशियल स्टैटिक्स, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बताई हैं. यहाँ पे ऑफिशियल स्टैटिक्स ये कहती हैं कि क्या कारण रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो सुसाइड जो है आपका सोशल क्राइसिस इन इंडिया का एक पार्ट बन गया है. जैसे कि पहला कारण है, ऑफिशियल डेटा कहता है पॉवर्टी. दूसरा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी. तीसरा कारण है सडन एंड अनएक्सेप्टेबल डाउन टर्न इन द इकोनॉमिक फॉर्च्यून, अर्थव्यवस्था का सडनली जो है क्या करना, डाउन हो जाना. ठीक है, फिर आप यहाँ पे जैसे अनबियरेबल डेप्ट बर्डन. अब भाई मान लीजिए, देखिए पावर्टी है और आपका आपकी बेरोजगार आपकी नौकरी भी चली जाती है और इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हो जाता है. अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले से कर्जा लिया हुआ हो तो क्या होगा उसके लिए, तो और प्रॉब्लम हो जाएंगी, डेप्ट बर्डन उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा. और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होंगे, सोशियो और इकोनॉमिक दोनों ही जो हैं चीज़ें होंगी फलस्वरूप. और उसके बाद क्या होगा, व्यक्ति के ऊपर आएगा साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये भी एक कारण होता है. साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूरी नहीं है कि ये इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से ही हो, कोई हो सकता है कोई कॉलेज गोइंग या लड़का लड़की या कोई स्कूल गोइंग लड़का लड़की, उनके ऊपर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है. साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपकी आपकी लव लाइफ का भी बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, मतलब दिल टूट गया मान लीजिए किसी का, तो व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, वो भी रहता है, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर लोग हैंडल नहीं कर पाते. फिर डाउरी डिस्प्यूट्स, तो उसके वजह से जो है लड़कियां सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेती हैं, सुसाइड हो जाती है. या फिर फैमिली, मतलब जो आपके इन लॉज हैं वो इतना ज़्यादा पोक करें और उसकी वजह से भी हो जाता है. इलनेस एंड फेलियर इन एग्जामिनेशंस. ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, ठीक ही नहीं रहता है, मतलब ओबेस है, बहुत हद से ज़्यादा मोटा है, लोग उसको पोक करते हैं. ठीक है, हो सकता है उसका हार्मोनल डिसबैलेंस हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, इलनेस की वजह से भी लोग जो हैं फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑफिशियल स्टैटिक्स इतने सारे कारण देती हैं. दीज ऑल कंडीशंस आर रिलेटेड टू सोशल कंडीशन. इनमें से कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो सोसाइटी से जुड़ी हुई नहीं हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हो ही रही हैं. डर्खाइम ने दो तरीके बताए हैं कि भाई आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सुसाइड को स्टडी कर सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही चीज़ों को मिक्सअप करके बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको इंडियन सोसाइटी के एस्पेक्ट में वो चीज़ लिखनी है. अब डर्खाइम ये भी कहते हैं, इमाइल डर्खाइम कहते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ एक्नॉलेज करता हूँ, एक्नॉलेज यहाँ के, हाँ मैं ये चीज़ मानता हूँ. एक्नॉलेज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना. एक्नॉलेज कि इंडिविजुअल के अपने कुछ कारण हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स मे हैव रीजंस, इंडिविजुअल्स मे हैव रीजंस. अच्छा, जिसने भी लाइक वाइक नहीं किया हो कर दीजिएगा. अच्छा, पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि मतलब आप मेंस की हमें थोड़ी सी तैयारी कराइए कि कैसे लिखना है, क्योंकि इतना कुछ है लिखने के लिए, कैसे हम उसको कट शॉर्ट करें. ठीक है, तो लिखने के लिए इसलिए है इतना कुछ कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, सबका सेम ना हो इसलिए लिखने के लिए इतना सब कुछ है. बाकी अगर तुम्हें उसमें भी स्पून फीडिंग चाहिए तो भाई बड़ी मुश्किल है, ऐसे कैसे काम चलेगा. इंडिविजुअल्स मे हैव रीजंस फॉर कमिटिंग, फिर भी मैं उसके ऊपर आपको कुछ सेशंस दूंगी. ठीक है, तो उसमें टेंशन मत लो. कमिटिंग सुसाइड्स, ठीक है, इंडिविजुअल के अपने कुछ कारण हो सकते हैं सुसाइड करने के, जैसे कि प्यार. ठीक है, अब मान लीजिए कि एक लड़का है ना, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, और एक लड़की है, थोड़ा सा अंतर दिखाते हैं फिगर में, तो इसलिए मैंने इसके बाल थोड़े बड़े कर दिए. मैं लड़का हूँ, तू लड़की है, ये बॉय है, ये गर्ल है. अब दो चीज़ें हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का दिल तोड़ता है इंडिविजुअली, जिसमें किसी की फैमिली का कोई रोल नहीं है, नो रोल ऑफ फैमिली. ठीक है, और यहाँ दोनों के ऊपर ही है, लड़की लड़के का दिल तोड़ रही है या लड़का लड़की का दिल तोड़ रहा है. अगर इनका कोई भी फैमिली का रोल नहीं है, और फिर जो है क्या होता है, सुसाइड, जो दूसरा वाला है जिसका दिल टूटा है वो सुसाइड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी भैया, इंडिविजुअल, क्योंकि सोसाइटी का तो कोई रोल नहीं है, दो लोगों के बीच की बात है ये. लेकिन अब मान लीजिए रोल ऑफ फैमिली है, रोल ऑफ फैमिली, लड़की को उसके घर वाले नहीं चाह रहे हैं कि उसकी शादी पर्टिकुलर व्यक्ति से यहाँ पे हो, या फिर लड़के के घर वाले नहीं चाह रहे हैं कि लड़की की शादी हो.
ठीक है, हमारे लड़की से, और ये दोनों इन दोनों के ब्रेकअप का कारण बनते हैं। तो अगर रोल ऑफ फैमिली होगा तो सोसाइटल रोल होगा, सोसाइटल रोल होगा, और सोसाइटल रोल होगा तो फिर ये इंडिविजुअल नहीं बचेगा, नॉट इंडिविजुअल। यहाँ तो अगर सुसाइड हुई है तो उसमें पूरे खानदानों का, दोनों परिवारों का, या जो मतलब एक परिवार है या जो भी है उनका रोल है, मतलब और भी लोगों का रोल है, ये इंडिविजुअल एक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है या सुसाइड करता है तो वो इंडिविजुअल नहीं होगा। तो डरकैम इसी चीज़ को करते हैं एक्नोलेज, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं एक्नोलेज तो करता हूँ, बट दीज रीजन्स आर, ये ऐसे रीजंस नहीं हैं जिनकी वजह से आप सुसाइड कर लें। दीज रीजंस आर नॉट द रियल। बेसिकली होता क्या है बेटा जीवन में ना, इंसान बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लेता है। मैनिफेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा आगे तक की प्लानिंग कर लेता है, बहुत ज़्यादा सोच लेता है, और जब वो चीज़ नहीं होती है ना, बहुत ज़्यादा आगे तक की सोच लेता है कि मैंने देखा है एक प्यारा सपना, फूलों के शहर में हूँ घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आ जा। तो इतना जो प्यारा सपना जो देख लेते हैं, और फिर जब वो नहीं होता ना, जब दिल टूटता है, तो जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करना है ना, तो वो जब दिल टूटता है तो दिक्कतें फिर ऐसे आती हैं। तो डर्कहाइम ये कहते हैं कि ये रीजंस कोई रियल रीजंस नहीं है, दे मे बी सेट टू इंडिकेट द इंडिविजुअल्स वीक पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, ये इंडिविजुअल के वीक पॉइंट है कि इंडिविजुअल अपनी लाइफ के इस फेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि दिल टूटना किसी का पहली बार नहीं होता है दुनिया में, और भी लोगों के दिल टूटे हैं। ठीक है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि पहली बार, दुनिया का पहला और आखिरी दिल टूटने का जो वारदात है वो आप ही के साथ हुई है। दुनिया में और भी हजारों करोड़ों लोगों के दिल टूटे होंगे और लोगों ने सुसाइड नहीं करी। तो दिस मे बी सेट टू इंडिकेट द इंडिविजुअल्स वीक पॉइंट वेयर, डर्कहाइम कहते हैं वेयर द आउटसाइड करंट, कि आपके बाहर आपके साथ जो भी हुआ या हो रहा है, आपका दिल टूटा है, बियरिंग द इम्पल्स, आपके अंदर इम्पल्सिवनेस आ जाती है, आप स्पॉन्टेनियस हो जाते हो, बियरिंग द इम्पल्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और आपके अंदर खुद को खत्म करने की जो उत्सुकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही होता है लव, ये लव वाले केस में, इसको अच्छे से ऐसे ही समझ सकते हैं। मोस्ट इज, और आपको जो है ये क्या लगता है, मोस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोस्ट इजीली फाइंड, अपने आप को खत्म करना, अपने दुखों को खत्म करने का सबसे सही तरीका आपको लगता है, आपको मतलब जो भी लोग सुसाइड करते हैं उनको। सो इंट्रोडक्शन, एक से, हाँ इंट्रोडक्शन, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोस्ट इजीली फाइंड इंट्रोडक्शन, और इस वजह से डर्कहाइम कहते हैं कि ये कोई रियल कारण नहीं है। इंडिविजुअल के अपने जो कारण होते हैं जिसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, ये वाला कि परिवारों का तो कोई हाथ ही नहीं था, फिर भी जो है तुम लोग आपस में ही, जो है किसी लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा या किसी लड़के ने किसी लड़की का दिल तोड़ा, और तुम उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, बट दे आर नॉट पार्ट, दे आर नो नो पार्ट ऑफ दिस करंट इटसेल्फ, और कॉन्सिक्वेंटली कैन नॉट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट। डरखान कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल के रीजंस है ना, दे वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देम इजिली। ठीक है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देम इजिली, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे सोसाइटी का रोल ही नहीं है। तो डरखाइम ने फाइनली जो है चार तरीके की सुसाइड्स के बारे में बताया है। ठीक है, उनको एक बार हम जो है देखते हैं। तो टाइप ऑफ सुसाइड की अगर हम बात करें तो 1976 के बाद में ऐसा डरखाइम के जो फोर टाइप ऑफ सुसाइड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे, फेमस इन द सेंस कि लोग इनके बारे में बात करने लगे। तो एक सुसाइड का टाइप है एल्ट्रुइस्टिक, दूसरा है एनोमिक, तीसरा है फैटलिस्ट, और चौथा है इगोइस्टिक। ये ग्राफ आपको ज़रूर बना के आना है। यहाँ पर जो है एल्ट्रुइस्टिक है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्रीगेशन होता है, यानी कि आप किसी दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो, जैसे कि सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। सुसाइड बॉम्बर्स ये किसी और के लिए ही, मतलब किसी टेररिस्ट ग्रुप के लिए ही जान देने के लिए तैयार है, जैसे कि सती वाला सुसाइड, ये भी इसको एक सुसाइड की कैटेगरी में डरखाइम ने रखा है। ये कहते हैं कि ये भी एक तरीके की सुसाइड है जहां पर आप अपने पति की मृत्यु के बाद खुद भी मर जाना चाहते हैं। टू मच इंटीग्रेशन, जौहर, टू मच इंटीग्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एनोमिक सुसाइड वो है जहां पर कोई रेगुलेशन ही नहीं है, मतलब जहां पर जैसे अभी सुशांत सिंह वाले केस में भी अगर आप देखें कि अगर इन चारों में से उसे किस किस कैटेगरी में डालोगे तो आप उसको एनोमिक में डालेंगे, जहां पर कोई नॉर्म्स ही नहीं है, कोई नॉर्म्स, नो नॉर्म्स, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मलेस। नॉर्मलेस मतलब कि आप एक परिवार में नहीं है, आपके ऊपर किसी का कोई रेगुलेशन नहीं है, आप जो है अपने आप को एनोमिक सिचुएशन में पा रहे हैं, यानी कि आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, नो कनेक्शन या फिर नॉट कनेक्टेड। सो नॉट कनेक्टेड विद एनीवन, या बहुत सारे मतलब लोगों के साथ आपको नहीं है कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर जहाँ रेगुलेशन नहीं होता, भाई देखो सीधी सी बात है, मैं कल ही ऐसे किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक अच्छा सा वो दिया था कि एक बार अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाहे, ठीक है, और उस बार में वो बच जाए मतलब कि उसको बचा लिया जाए, मतलब वो लटक रहा था उसकी जान निकल रही थी, वो जान निकलते निकलते किसी ने आके उसके पैर पकड़ लिए और उसको बचा लिया, तो उन व्यक्ति का कहना था, और वो काफ़ी मतलब उम्र दराज व्यक्ति हैं, उनका कहना था कि फिर वो व्यक्ति ना कभी दोबारा सुसाइड करने की कोशिश नहीं करता, और ये बात ना 95% सच है, 95, क्योंकि सोशियोलॉजी में या समाज में कुछ भी 100% ट्रू नहीं होता, 95% ट्रू है कि अगर कोई एक बार सुसाइड करने की कोशिश करे और उसको उस बार में जो है बचा लिया जाए या वो बच जाए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि करने की सोच रहा है, मतलब वो कूद चुका है, जैसे नदी में कूद के कोई मरना चाहता है लेकिन नदी में कूद के मरने वाले को आपने बचा लिया, तो वो फिर ईजिली अब सुसाइड नहीं करेगा क्योंकि उसने ना वो पेन वो देखा है। तो फेटलिस्टिक सुसाइड वो होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, देखो ये है इंट्रीगेशन, कि बहुत ज़्यादा आप किसी से जुड़े होते हो, यहाँ पे है कि कोई रेगुलेशन नहीं है। फेटलिस्ट वो है जहाँ पर व्यक्ति जो है फेटल अवस्था में आ जाता है, जैसे कि लेबर्स के साथ मतलब होता है। मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी जहाँ पर एक महिला जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक सेकेंड रुकिए हम फिर से देख लेते हैं, मैंने एक इमेज दिखाई थी आपको पहली ही क्लास में, हाँ इधर, जैसे ये एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है, खुद को जला लेना, क्यों लिया है क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा लोगों से इंट्रीगेट कर रहे हो और आप जो है किसी को नुकसान भी देना चाहते हो। तो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड मतलब सुसाइड कॉज्ड बाय एक्सेसिव इंट्रीगेशन। सुसाइड कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज एंट्री पॉइंट ऑफ निर्वाण, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब मर के जो है निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। सुसाइड, दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज एंकरेज्ड बाय पीपल, ठीक है, जैसे कि मॉब लिंचिंग वगैरह के टाइम पर भी क्या होते हैं, अगर आप किसी को मतलब कोई व्यक्ति खुद को जला ले, मतलब बचने के लिए खुद को जला ले, या फिर सोशल इंट्रीगेशन आपका बहुत ज़्यादा है, या फिर आप चाहते हैं कि जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं उस सोसाइटी को बेनिफिट हो जाए, जिस सोसाइटी से आप, अभी एक मूवी आई है शेरदिल, ठीक है, इस मूवी में आप देखिए, नेटफ्लिक्स पे आई है ये, आपके पंकज त्रिपाठी की मूवी है ये, पीलीभीत वाले एक रियल स्टोरी पे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की एक रियल स्टोरी पे बिलोंग करती है, जहाँ पर इनके गांव की सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति वो कहाँ चला जाता है, जंगल में चला जाता है, और उसको पता चला था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार अगर कोई भी व्यक्ति को बाघ मारता है, ठीक है, मतलब टाइगर अगर उसको मारता है तो सरकार उसको 10 लाख रुपए देगी। तो वो कहता है कि अगर मैं मर जाता हूँ और तुम लोग मेरी बॉडी को बाद में आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि जैसे ही मेरे सामने शेर या चीता आएगा तो मैं रॉकेट लेके जा रहा हूँ, रॉकेट चला दूंगा, और तुम पता कर लेना कि रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो तुम पता कर लेना कि ये कौन सी लोकेशन से रॉकेट आया है, वहीं तुम पहुँच जाना मेरी, क्योंकि बाघ अगर मारेगा तो वहीं आसपास के इलाके में मेरी डेड बॉडी मिल जाएगी, और फिर जो है तुम सरकार के पास में एप्लीकेशन देना, और फिर क्या होगा, सरकार तुमको क्या देगी, 10 लाख रुपए देगी, और 10 लाख रुपए से मेरे पूरे गांव का जो है काफ़ी फायदा हो जाएगा। तो बेनिफिशियल टू सोसाइटी, और इस, अब भाई जो मरने जा रहा है वो जान खुद देने जा रहा है, ठीक है, जो जान खुद देने जा रहा है वो क्या है, वो एकदम एक्चुअल एग्जाम्पल है अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी का। तो आप ये चीज़ को कोट कर सकते हो कि शेरदिल जो मूवी है उसमें, और ये रियल इंसिडेंट हुआ था कि पीलीभीत के पास एक गाँव है, और वहाँ पे लोगों ने जितने भी अपने एल्डरली पीपल हैं उनको जंगल में छोड़ाए थे, बात करके कि आप लोग को अगर मारेगा, आप लोग तो वैसे ही मतलब मरने वाले हो, एल्डरली हो, मर ही जाओगे जल्दी, तो हमको यानी कि गांव को जो है उसका बेनिफिट होगा। कैटेगराइज्ड बाय एनर्जी एज अपोज्ड टू एपैथी, ठीक है, एपैथी सिंपैथी ऐसी मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक हैं ह्यूमन बीइंग की, कि अगर आप जो है अपोज टू एपैथी, आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है और आप जो है क्या करते हैं, मरना चाहते हैं। तो ये फोटोग्राफ है एक बुद्धिस्ट मॉन्क का जो यहाँ पर जो है जल रहे हैं,
ठीक है, अपने आप को जला रहे हैं। डिपिक्ट्स अ बुद्धिस्ट मॉन्क बर्निंग हिमसेल्फ टू डेथ इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में अगर आप कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? प्रोटेस्ट में आप कर रहे हो यानी कि जिस चीज के लिए, जिस पॉइंट के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, अपनी सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए उन्होंने आत्मदाह ही कर लिया। तो यहां पर ये शेरदल वाला एग्जांपल भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ इमोलेशन भी इसको कहते हैं। यार वो फोटो नहीं मिला, हाँ ये वाला फैटलिस्ट सुसाइड का ये एक एग्जाम्पल है। एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से ये होती है। यहाँ पर एक स्लेव विमेन जो कि लेबर क्लास में थी लेकिन स्लेव भी थी, वो 19 दिसंबर 1815 को वो एक विंडो से कूद गई, 3 मंजिला इमारत की विंडो से। बाद में खैर वो बच गई थी लेकिन उसका अटेम्प्ट सुसाइडल अटेम्प्ट ही माना जाएगा। और ये तब की बात है जब अमेरिका में स्लेवरी चलती थी। 1815 का ये केस है और 1838 में जो है अमेरिकन एंटी स्लेवरी का शुरुआत हुआ था, ठीक है। और बाद में जो है स्लेवरी इन द यूएस, ये इस तरीके के आर्टिकल्स बहुत आते थे। बाद में फिर जो है यहाँ पर स्लेवरी को डिमोलिश किया गया। तो अमेरिका वगैरह जैसी जगहों पर भी जहाँ पर स्लेवरी पहले बहुत ज़्यादा थी, और इंडिया में भी स्लेवरी की वजह से भी यहाँ पर लोग, या तो इनको भागना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। He chose to encounter the hardships and peril of a run away. तो भागना बहुत मुश्किल है तो क्या कर दो, जान दे दो। तो ये भी है, economic society में low regulation होता है। तो आपको चीजें याद रखनी है। देखो integration में दो तरीके की society होती हैं, एक altruistic होती है, ठीक है, और एक मैं अभी बताऊंगी, और दूसरा है रेगुलेशन। रेगुलेशन में मतलब समाज कितना आपको रेगुलेट कर रहा है या आप समाज से कितने रेगुलेट हो रहे हैं, समाज के नॉर्म्स से। तो एक में क्या है, एनोमिक है जहां पर कोई भी नॉर्म नहीं है, और एक में क्या है जहां मतलब एकदम हाई रेगुलेशन है तो वहां पे एनोमिक होगी, सॉरी लो रेगुलेशन है तो वहां पर एनोमिक होगी, और अगर हाई रेगुलेशन है तो वहां पे फैटलिस्ट सुसाइड होगी, फैटलिस्टिक, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मार्लिन मुंडरे इट्रोक्स लाइक सुसाइड, ये जो है इनकी सुसाइड लो रेगुलेशन की थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा पब्लिक लाइफ थी इनकी, चमक दमक वाली लाइफ थी, लेकिन रियल लाइफ में इनके पास में कोई भी नहीं था, ठीक है, रियल लाइफ में इनके पास कोई भी नहीं था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलती हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, मैंने भी डाले हैं काफी सारे एग्जांपल्स सुसाइड को लेके। जब पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा सुसाइड वाले टॉपिक के चीजें, ठीक है। तो ये है ईगोइस्टिक सुसाइड जहाँ पे, हाँ ये है जहाँ पे कोई इंट्रीगेशन ही नहीं हो, व्यक्ति के अंदर इतना ईगो हो कि वो अपने समाज से जुड़ा ही नहीं हो, जानबूझ के जुड़ा ना हो। ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ जाना, अपनी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाना, और उनके लिए जान देने तक की आप क्या रखें, आप उनके लिए जान देने तक की कामना रखें। ईगोइस्टिक मतलब कि वो व्यक्ति समाज से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, नॉट इनफ इंट्रीगेशन। तो ऐसे केस की जो सुसाइड होगी वो भले ही उसको आप कह सकते हैं प्राइवेट एंड पर्सनल मैटर, प्राइवेट एंड पर्सनल मैटर कि भाई वो आपका टू मच रेगुलेशन में भी नहीं आ रहा, नॉट रेगुलेशन में भी नहीं आ रहा, आपका इंट्रीगेशन भी नहीं है, और फिर भी अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो भैया वो तो आपका पर्सनल और प्राइवेट मैटर है। तो इन सबको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जापान का हेराकिरी, जापनीज जो है, जैपनीज हेराकिरी, जैसे हमारे यहाँ पे सती प्रथा होती है, जौहर होता है, वैसे ही जैपनीज हेराकिरी होता है। इट इज़ अ वे टू डिस्ट्रॉय वन सेल्फ रादर देन डिसग्रेड वंस फैमिली और ग्रुप। यानी कि ये वही तरीका है जो इंडिया में भी होता है, आप मतलब वही समझिए इसको, कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद की जान दे देना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी में, अगर कोई लड़की है जो अनमैरिड बट प्रेग्नेंट कर, तो क्या होगा? हाँ भाई, अगर वो लीड्स टू सुसाइड, इफ अनमैरिड और बट प्रेग्नेंट गर्ल लीड्स टू सुसाइड, तो वो क्या होगा कि परिवार की डिसग्रेस को बचाने के लिए, ठीक है, परिवार को डिसग्रेस ना होने देने के लिए, ग्रेस यानी कि उनके आत्मसम्मान को, उनकी इज्जत को बचाने के लिए अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो वो एल्ट्रुइस्टिक में ही आएगी, किसी और के लिए आप कर रहे हो ना, ठीक है। वैसे ही जैपनीज हेराकिरी है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है। कोई भी सुसाइड सही नहीं है, डर्काइम ने पहले ही कह दिया है, ये आपका सुसाइड अगर आप कर रहे हो दैट मींस यू आर, आपकी लाइफ का वो इंडिविजुअली वीक पॉइंट चल रहा है, ठीक है, ठीक नहीं है।
अगर कुछ हुआ है तो यू शुड ओन इट, ठीक है, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो फोर कर लेना भाई यहाँ पे, है ना, फोर। तो ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड एक टाइप ऑफ सुसाइड है जहाँ पे इंडिविजुअल हु आर वेरी क्लोजली इंट्रीगेटेड इनटू अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी किल्स हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ ग्रुप और फैमिली और सोसाइटी। इसमें जो है सुसाइड के लिए व्यक्ति मोटिवेटेड होता है बाई अ डिजायर टू सर्व द नीड्स ऑफ द ग्रुप, फैमिली और सोसाइटी। यहाँ पर यह सुसाइड बेस्ड ऑन होती है सेल्फ सेक्रीफाइस के ऊपर कि अपना जो है आप बलिदान दे दो, एंड टेंड्स टू अकर इन सोसाइटी सोशल सिस्टम दैट डी एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसे ऐसे सोशल सिस्टम में ये ज़्यादा होती है जहाँ पर इंडिविजुअल जो सुसाइड कर रहा है उसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, डी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ये है। दूसरा होता है एनोमिक सुसाइड। ये सुसाइड वो है जहाँ पर आपके जीवन में नॉर्मलेसनेस यानी कि कोई भी कनेक्शन नहीं है और सोशल और पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है या जो आपकी सोशल लाइफ है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर वैल्यू सिस्टम जो है ग्रुप का वो आपके अंदर नहीं है, वैल्यू सिस्टम, क्योंकि आप एक ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हो, इट इज़ नो लॉन्गर हैज़ मीनिंग फॉर द इंडिविजुअल, और अगर जुड़े भी हुए हो तो आपके लिए उस वैल्यू सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो फिर आप एनोमिक यानी कि नॉर्मलेस कंडीशन में चले जाते हो और आप जो है आइसोलेट फील करते हो, लोनली फील करते हो और कन्फ्यूज फील करते हो, और इस तरीके का कोई भी डिसरप्शन अगर किसी की लाइफ में होता है और फिर जो है अगर वो व्यक्ति ऐसी लाइफ में सुसाइड करे तो वो सुसाइड को एनोमिक सुसाइड कहते हैं। रिच पर्सन मान लीजिए सडनली पुअर हो जाए और पुअर पर्सन मान लीजिए सडनली रिच हो जाए, तो उनको जो है हार्ट अटैक आ जाता है, आता है कि नहीं आता, माइट लीड टू अ कैटास्ट्रोफिक ब्रेकडाउन, होता है कि नहीं होता। मान लीजिए कोई अमीर था और सडनली जो है रास्ते का भिखारी बन गया, तो होता है, हमने हिंदी मूवीज में देखा है कि उसको अचानक से दिल का दौरा आया और वो मर गया। या मान लीजिए कोई पुअर पर्सन है और सडनली उसकी लॉटरी लग गई मतलब 500 करोड़ की, तो वो उसको झेल ही नहीं पाता भाई साहब, वो मतलब हार्ट बीट और मतलब चीज़ें इतनी, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि कैटास्ट्रोफिक ब्रेकडाउन हो जाता है। इन द इस, और ये तभी भी होता है जब आप एक नॉर्मेटिव लाइफ में हो, नॉर्मेटिव इंट्रीगेशन है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का, तब भी होता है। तो एनोमिक सुसाइड का मतलब है कि जहाँ पे आपका इंट्रीगेशन नहीं हो, जहाँ पे आपका बिल्कुल कोई भी रेगुलेशन भी नहीं हो, तो एनोमिक सुसाइड इज देन अ रिजल्ट ऑफ नॉट बीइंग प्रॉपरली इंट्रीगेटेड इनटू अ सिस्टम। किसी ऐसे सिस्टम में आप जहाँ पर प्रॉपरली इंट्रीगेटेड नहीं हो, जुड़े हुए नहीं हो, समावेशित नहीं हो अपनी कल्चरल वैल्यूज से, और आप आइसोलेटेड यानी कि अकेला एकांक प्रतीत कर रहे हो रिगार्डिंग दी सोशल नॉर्म्स, आपको लग रहा है कि जितने भी सोशल नॉर्म्स हैं ये सब क्या है, मीनिंगलेस हैं। तो ऐसे इंसिडेंट जो हैं एनोमिक सुसाइड के अंदर आते हैं। ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं दैट एक्सपीरियंस अ हाई रेट ऑफ सोशल चेंज विद अ रैपिड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी कि ये मॉडर्न टाइम में बहुत हो रहे हैं, ठीक है, वो प्रिजमली ग्रेटर इन दी सोसाइटीज, ऐसी सोसाइटीज में जहाँ होते हैं वहाँ होते हैं जहाँ पे बदलाव जो है बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, सोशल चेंज जहाँ लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी आते हैं वैसी जगह पर ये ज़्यादा होते हैं। इट वुड ऑल्सो टेंड, मतलब जैसे कि मतलब मान लीजिए कि अभी आपकी मूवीज़ में आपका ग्राफ बहुत ऊपर चल रहा है, सडनली आपको 2 साल तक मूवीज़ नहीं मिली, तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप अपने आप को जो है लोनली फील करेंगे, आप आइसोलेटेड फील करेंगे, आप कम्युनिटी में जो है अपने आप को आइसोलेटेड फील करेंगे, इंट्रीगेट नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ सोशल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन जगह ये जो है सुसाइड इस तरीके की होती है। इट वुड ऑल्सो टेंड टू बी हाइयर अमंग सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल, ऐसी सुसाइड जो है डिवोर्स्ड, ठीक है, या अनमैरिड लोग ज़्यादा करते हैं, ऐसा डर्खाइम की स्टडी का मानना है, मेरा नहीं है, कि डिवोर्स लोग, अब डिवोर्स लोग होने का मतलब क्या है कि भाई वो आइसोलेटेड है, अकेला है, लोनली है, कंफ्यूज्ड है, इंट्रीगेटेड नहीं है, समाज से जुड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि समाज में हर कोई उसको उस नज़र से देख रहा है, मतलब अगर कोई डिवोर्स दे तो कोई अगर कोई आदमी डिवोर्स दे तो कोई लड़का उस लड़की उससे बात नहीं कर रही है, ना ही कोई फैमिली अपनी लड़कियों को उससे बात कर रही है, या कोई औरत डिवोर्स्ड है तो लड़के मतलब कोई फैमिली अपने लड़कों को अलाउ नहीं कर रही है उससे बात करने देने के लिए, मतलब होता है समाज में ऐसा। तो डाइवोर्स या अनमैरिड के केसेस में ये ज़्यादा होती है ऐसी सुसाइड, ऐसा डर्खाइम की स्टडी कहती है। फिर आती है बात इगोइस्टिक सुसाइड की, ये तीसरे सुसाइड है जहाँ पे आप जो है सोशल नॉर्म्स के क्या हों, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सोशल नॉर्म्स, जब इंडिविजुअल को ये लगने लगे पर्सनली, ठीक है, कि इंडिविजुअल फील पर्सनली रिस्पॉन्सिबल
ठीक है, इंडिविजुअल इज मेड टू फील पर्सनली रेस्पॉन्सिबल। उस टाइम पे के जो आपके दिमाग की, आपके मन की कंडीशन होती है, वो ओवरवेलमिंग बर्डन आपके ऊपर, आप अपने ऊपर खुद ले लेते हो, और ग्रुप इटसेल्फ नॉट स्ट्रांग इनफ। ठीक है, जिस ग्रुप में आप हो, जिस सोशल नॉर्म्स में हो, वो उतना खुद स्ट्रांग है भी नहीं, लेकिन आप अपनी सोच में उसको इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि आपके पास में ना ही कोई सफिशियंट सोर्स ऑफ सपोर्ट रहता है ईगो की वजह से, और ना ही अपने आप में आपके पास कोई स्ट्रेंथ रहती है आपकी ईगो की वजह से, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। नीदर इज ही मतलब जो सुसाइड कर रहा है, ही और शी सफिशियंटली इंटीग्रेटेड टू बी एबल टू मिटिगेट इंडिविजुअल फीलिंग। ना तो व्यक्ति इतना सफिशियंटली इंट्रीगेट है कि अपनी ये इंडिविजुअल फीलिंग्स को क्या कर सके, कम कर सके, जहाँ पे आप बर्डन और साइकोलॉजिकल प्रेशर वाली फीलिंग आ रही है उनको कम कर सको। कम कैसे करोगे कि आपके साथ कोई होना चाहिए जिससे आप बात करके ये सारी चीज़ों को, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। इंडिविजुअल फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप कम नहीं कर पा रहे हो, और गिल्ट को भी कम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हो रही है, मॉरल वीकनेस हो रही है। मॉरल वीकनेस हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में अपने आप को फेल होते हुए देख रहे हो। और ऐसी केस में जब आप ये सारी चीज़ों में कहीं किसी से कुछ नहीं कह पाते हो, तो ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम और वीक ग्रुप इंट्रीगेशन, इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं, और एन ओवर पावरिंग सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप क्या करते हैं, इस तरीके की सुसाइड करते हैं। अब जैसे कि जो फार्मर्स वाली सुसाइड है, फार्मर के ऊपर आप एक बात बताओ, फार्मर के ऊपर, ठीक है, ईगोइस्टिक इस वर्ड पे मत जाना, लेकिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाना। एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होता है आपके विलेज में, ठीक है, जहां पे एक मेल को लगता है कि फीमेल के साथ में शेयर करना अपने पेन को, या अपने बच्चों के साथ में अपने पेन को शेयर करना, ये हमारे समाज में नहीं सिखाया है, ऐसा उनको लगता है। दूसरा, ग्रुप में वीक इंट्रीगेशन है, आप अपनी परेशानी को शेयर नहीं कर पा रहे हो, और ओवरपावरिंग सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और वो सारी जिम्मेदारियां आपको क्या कर रही हैं, ओवरपावर, उनका जो उनका अनुभव है, उनकी जो फीलिंग है, वो आपको ओवरपावर कर रही है। ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति सुसाइड करते हैं, जैसे जिम्मेदारियां भी हैं, घर में बच्चों से, बीवी से, माँ बाप से कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो वाली जो फीलिंग आती है, वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो वाली फीलिंग को कहते हैं ईगोइस्टिक। भाई ईगोइस्टिक क्यों, अगर हस्बैंड भी है और वाइफ भी है, ठीक है, हस्बैंड की मान लो नौकरी छूट जाती है, तो अगर वाइफ भी उस, अगर वो समझता है और उस टाइम पे वाइफ कुछ काम कर रही है और उसकी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में तुम अगर सुसाइड कर लोगे, तो वो ईगोइस्टिक ही कहलाएगी, कि वीक ग्रुप इंटीग्रेशन, आप बात नहीं कर पाए, सो स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत ज़्यादा ले ली है, तो ये सारी चीज़ें ईगोइस्टिक सुसाइड के अंदर आती हैं, ठीक है। अब एक चौथा, ये तो तीन टाइप थे, फैटलिस्ट में क्या होता है, चौथा टाइप, जहाँ पे होपलेसनेस आ जाती है, व्यक्ति के अंदर होपलेसनेस आ जाती है। तो अल्ट्रुइस्टिक में कलेक्टिविस्टिक आती है, ईगोइस्टिक में इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्ति जो है सिर्फ अपने अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी ये अपना वो सोचता है। फैटलिस्टिक में व्यक्ति को कोई होप नहीं बचती, जैसे कि स्लेव्स को कोई होप नहीं बचती, उनको ये लगता है कि हम जो है इस स्लेवरी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और एनोमिक में कि सब कुछ होते हुए भी जब तुमको लगे कि लाइफ में हर चीज़ मीनिंगलेस है, सब कुछ होते हुए भी जब तुमको लगे कि लाइफ में हर चीज़ मीनिंगलेस है, नॉर्मलेस है, ठीक है, तुम कहीं पर भी अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे सब कुछ होते हुए भी, तो क्या होता है, एनोमिक सुसाइड होती है। तो ये हाई और स्ट्रॉन्ग इंट्रीगेशन और रेगुलेशन की वजह से, ये हाई इंट्रीगेशन की वजह से, ये हाई रेगुलेशन की वजह से, ये लो इंट्रीगेशन की वजह से, और ये लो रेगुलेशन की वजह से होती है। ग्रुप अटैचमेंट यानी कि सोशल इंट्रीगेशन, तो इंट्रीगेशन वाला कॉलम ये है, हाई इंट्रीगेशन, लो इंट्रीगेशन। बिहेवियरल रेगुलेशन, आपके बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करना है, हाई रेगुलेट कर रहा है कोई, मतलब आपके, आपको सांस भी आप किसी दूसरे की मर्जी से लेनी पड़ रही है, हाईली रेगुलेट कर रहा है। या फिर एनोमिक, मतलब कि आपकी लाइफ में कोई रेगुलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो एक्सट्रीम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ये सोशल सेंटीमेंट है। इंट्रीगेशन होना, जुड़ा हुआ होना किसी से, और नहीं जुड़ा हुआ होना, ये सोशल सेंटीमेंट है, ठीक है। सोसाइटी इन मैन, ये कॉन्सेप्ट दिखाता है, सोसाइटी इन मैन, एक व्यक्ति के अंदर समाज कितना बसता है, वो समाज से कितना या तो जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है। बिहेवियरल रेगुलेशन या मॉरल रेगुलेशन, जिसको हम रेगुलेशन के उस पर देखते हैं, हाई और लो, तो वो मैन इन सोसाइटी है, कि एक सोसाइटी में होते हुए व्यक्ति के ऊपर कितना रेगुलेशन है, कितना रेगुलेशन नहीं है। तो एक है सोसाइटी इन मैन,
इंसान के अंदर समाज कितना बसता है, ज्यादा या कम, तो हाई और लो, हाई में एल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी, लो में जो है ईगोइस्टिक सोसाइटी। मैन इन सोसाइटी के समाज के अंदर, समाज के अंदर मैन इन सोसाइटी, तो इंसान जो समाज के अंदर है उसके ऊपर क्या रेगुलेशन है, हाई और मतलब ये रेगुलेशन की कैटेगरी में आता है, हाई रेगुलेशन और लो रेगुलेशन। हाई रेगुलेशन में फैटलिस्ट सोसाइटी आती है, लो रेगुलेशन में भैया एनोमिक सोसाइटी आती है। अब तो आप समझ गए होंगे, तो ये चार्ट को जरूर बना के आएंगे, ठीक है। दो चार्ट दिए मैंने आपको, और ये भी आप बता सकते हो कि कल्चर में जहाँ मैनी रूल्स होते हैं वो, अब कोई कहेगा कि तीनों में से कौन सा बनाए, तीनों में से कोई सा बना दो, कोई सा भी बना दो तीनों में से, ये बना दो तीनों में से, ये बना दो, बात वही है। फेटलिस्टिक सोसाइटी वहाँ होती है जहाँ बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन होते हैं, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में ज़्यादा होता है। ऑल्टोइस्टिक सोसाइटी वहाँ होती है जहाँ कलेक्टिविज्म होता है, ठीक है। एनोमिक सोसाइटी वहाँ होती है जहाँ कोई रूल्स नहीं होते, नो रूल्स। और ईगोइस्टिक सोसाइटी वहाँ होती है जहाँ इंडिविजुअलिज्म होता है, ये मॉडर्न सोसाइटी में होते हैं। एनोमिक और ईगोइस्टिक ये दोनों मॉडर्न सोसाइटी में होते हैं, और ये दोनों जो है या तो हाई रेगुलेशन होगा या हाई इंट्रीगेशन होगा। हाई वाली चीज़ें ट्रेडिशनल सोसाइटी में होती हैं, हाई वाली चीज़ें ट्रेडिशनल सोसाइटी में होती हैं, और लो वाली चीज़ें मॉडर्न सोसाइटी में होती हैं, या तो लो इंट्रीगेशन या फिर लो रेगुलेशन। तो कोई सा भी आप बना सकते हो भाई साहब, ठीक है। मेरे हिसाब से आप ये बनाओ, और साइड में इसको छोटे से उसमें ये भी दिखा दो, ठीक है। मतलब साइड में ऐसे करके ये चीज़ भी दिखा, अगर टाइम है तो, अदरवाइज ये बनाओ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहते हो ग्राफ की फॉर्म में बनाना तो इन्हीं सारी चीज़ों को आप ग्राफ की फॉर्म में, जहाँ ग्राफ की फॉर्म में बना रहे हो वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये तीनों चारों तरीके की सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ लिया है। अब डर्काइम इसको एक सोशल फैक्ट की तरह कंसीडर करते हैं। सोशल फैक्ट्स कौन से होते हैं, जो लोगों के करंट्स इन ओपिनियन में होते हैं, यानी कि लोगों की विचारधाराओं में होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू प्लेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू प्लेस लोगों की विचारधाराओं में जो भी चल रहा है समाज से रिलेटेड, वो सब कुछ सोशल फैक्ट है। तो ये सोशल फैक्ट किसी सर्टेन ग्रुप को जो है क्या करते हैं, कंपेल करते हैं, इम्पेल करते हैं, आइदर फॉर मान लो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल और टू मोर सुसाइड्स, या फिर हाइयर और लो बर्थ रेट। जैसा समाज है, जैसा टाइम है, दौर जैसा चल रहा है, वैसी ही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और वही सब सोशल फैक्ट्स हैं। दीज करंट्स आर प्लेनली सोशल फैक्ट्स। फर्स्ट साइड में जब आप इनको देखोगे तो दे सीम इनसेपरेबल, इनको आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं इंडिविजुअल से, लेकिन ये इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, ये सोशल फिनोमेना है। स्टैटिस्टिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा फर्निश अस विद मींस ऑफ आइसोलेटिंग देम, कि आप इंडिविजुअल से भी अलग इनको कर सकते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड विद द कंसिडरेबल एग्जैक्टनेस बाय द रेट ऑफ बर्थ, मैरिज, सुसाइड। आप हर चीज़ को जो है स्टैटिस्टिकली समझा सकते हो, तो ये उतना इंडिविजुअल भी नहीं है जितना दिखता है, ठीक है। जब एक रेट ऑफ क्राइम के बारे में हम बात करते हैं, और जब रेट ऑफ क्राइम बढ़ता जाता है समाज के अंदर, ठीक है, समाज के अंदर, तो एज साइंस या फिर लेस कांस्टेंट होता है, या फिर लेस कांस्टेंट मतलब बढ़ रहा है, कि इसका मतलब है कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। दिए गए सोशल टाइप के अंदर, सोशल टाइप मतलब टाइम कैसा है उस समाज का, और जगह किस जगह के बारे में बात कर रहे हो, देन इट बिकम्स द एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। अगर कोई चीज़ एक्सीड कर रही है दिए गए सोशल टाइप के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रही है, तो फिर वो एबनॉर्मल कहलाई जाती है, एबनॉर्मल फैक्ट हो जाता है वो, कि पहले तो ऐसा होता नहीं था, सडनली ऐसा हो गया, तो वो एबनॉर्मल सोशल फैक्ट है। सिमिलरली अगर सेम क्राइटेरिया को अगर आप यूज़ करें, तो सुसाइड इज़ अ नॉर्मल सोशल फैक्ट, लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है, जनरली होती है। दो इट इज़ रिगार्डेड एज रॉन्ग एंड इमोरल थिंग बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द सेट ऑफ वैल्यूज, ये समाज की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, That makes preservation of life absolute, ठीक है, जो बताता है कि life जो है प्रिजर्व है, ठीक है, absolute है, तो उसके खिलाफ है ये। लेकिन सुसाइड एक नॉर्मल अगर सोशल फैक्ट्स की कैटेगरी में डालो तो ये एक नॉर्मल सोशल फैक्ट है। ये कुछ लोगों के साथ समाज के स्थिति में ये चार तरीके की चीज़ें होती हैं, चार तरीके की चीज़ें, यानी कि लो इंट्रीगेशन, हाई इंट्रीगेशन, लो रेगुलेशन, हाई रेगुलेशन, और लोग फिर सुसाइड करते हैं इन कारणों की वजह से। लेकिन अगर इन्हीं सुसाइड रेट्स में आप सडन राइज देखें, जैसे कोविड के टाइम में हमने देखा, कोविड के टाइम में स्पेन वगैरह में, स्पेन में, फ्रांस में लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? लोग अकेले रहते हैं, एल्डरली पीपल ज़्यादा हैं वहाँ पर, यूथ कम है वहाँ पर, क्योंकि
आप लो बर्थ रेट था वहाँ पर, तो एल्डरली पीपल्स का रेशियो ज़्यादा है, बड़े बुजुर्ग उम्र दराज लोग ज़्यादा हैं। अब उनके साथ उनके बच्चे भी नहीं रहते, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये कल्चर है, मतलब बच्चे जो हैं पेरेंट्स के साथ ज़्यादातर नहीं रहते हैं। 100% की बात हम कहीं पर भी नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट ना, हम एक जनरल क्राइटेरिया लेके चलेंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं, एनोमिक फील कर रहे हैं, और एनोमिक फील कर रहे हैं यानी कि वो उनके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है, इंट्रीगेशन नहीं है। तो एनोमिक में मतलब लो इंट्रीगेशन और लो रेगुलेशन में एनोमिक और इगोइस्टिक सुसाइड्स हो रही हैं। तो अगर ये सडन राइज आपको देखने के लिए मिले इन दी वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, आप 19th century में भी देखेंगे तब भी आपको मिलेगा, वॉज अ कॉज फॉर द कंसर्न फॉर डर्खाइम एंड वन ऑफ द रीजन क्यों डर्खाइम ने सुसाइड की स्टडी करना चाहा। क्योंकि नॉर्मल फैक्ट था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब एबनॉर्मल फैक्ट की तरह ये दिखने लगा कि भाई लोग बहुत ही ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, मतलब सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा, सुसाइड रेट मतलब मान लीजिए 100,000 लोगों में मरने वाले, सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, उसको सुसाइड रेट कहते हैं, सुसाइड्स इन पर लैख, ठीक है, पर ईयर, पर लैख पर ईयर, तो उसको आप सुसाइड रेट कहते हो। तो जब ये सब हो रहा था तो डर्खाइम को लगा कि नहीं यार ये तो पढ़ना चाहिए, इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए। तो डर्खाइम ने एक टर्म यूज करी थी, सोशल मॉर्फोलॉजी, इस तरीके के सोशल टाइप्स को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो समाज का बेसिकली डर्खाइम ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया समाज का, टाइप्स में, अलग अलग टाइप में कि किस किस तरीके की सोसाइटी होती हैं, ठीक है, जैसे कि रिच सोसाइटी, पुअर सोसाइटी, इस तरीके, ताकि वो हर तरीके की सोसाइटी के टुवर्ड्स एक्सप्लेन कर सके इस सोशल प्रॉब्लम को। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था डर्खाइम ने दो तरीके अपनाए थे, एक सोसाइटीज़ के बीच में कंपेयर करने का, तो डर्खाइम ने पहले उन सोसाइटीज़ को क्लासीफाई किया होगा तभी कंपेयर कर सकते हो। दूसरा, एक ही सोसाइटी के अलग अलग टाइम पे, टाइम डिवीज़न करके, कि पहले ऐसा था ये समाज, फिर आज ऐसा है और फिर ऐसा हुआ और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ऐसा है। तो डर्खाइम ने ये क्लासिफिकेशन किया था ताकि ये एक दूसरे से डिफर रख सकें और फिर जो है स्टडी कर सकें, साइंटिफिक स्टडी कर सकें। तो इट इज़ क्योंकि स्टैटिक्स के थ्रू स्टडी करिए तो ये साइंटिफिक स्टडी होगी। सो इट इज़ ऑल्सो नीडेड टू डिसाइड वेदर अ सोशल फैक्ट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में सुसाइड एक नॉर्मल फैक्ट हो, लेकिन किसी दूसरी सोसाइटी में ये एक एबनॉर्मल फैक्ट की तरह इमर्ज हो रहा हो, वहाँ पे लोग हद से ज़्यादा सुसाइड कर रहे हों। तो कि पर्टिकुलर सोसाइटीज़ के हिसाब से, ग्रुप्स के हिसाब से, टाइप ऑफ सोसाइटीज़ के हिसाब से यहाँ पे इसको नॉर्मल और एबनॉर्मल की कैटेगरी में डिसाइड किया जा सके। सिंस अ सोशल फैक्ट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल ओनली इन रिलेशन टू अ गिवन सोशल टाइप, ठीक है, हो सकता है कि एक सोसाइटी में या एक सोशल टाइप में कोई चीज़ नॉर्मल दिख रही हो और दूसरे सोशल टाइप में वही चीज़ बहुत एबनॉर्मल दिख रही हो, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इसको सोशल टाइप्स की फॉर्म में डाला, और इसके लिए इन्होंने एक टर्म दी सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि हाउ आर सोशल टाइप कॉन्स्टिट्यूटेड, कि ये सोशल टाइप किस तरीके से बने हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज हाउ आर सोशल टाइप्स कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे बने हैं। तो उसको समझने का, उसको पढ़ने का जो जरिया इन्होंने निकाला वो सोशल मॉर्फोलॉजी निकाला। जो शब्द टाइप है, इस शब्द का मतलब है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी किसी एक ग्रुप की। जैसे मान लीजिए रूरल सोसाइटी है, रूरल सोशल टाइप है, तो उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एक होगी। अर्बन सोशल टाइप है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक होगी। जैसे कि मान लीजिए बैचलर्स हैं, तो बैचलर्स का मतलब है कि जिन्होंने शादी नहीं करी है, तो वो एक सोशल टाइप में आ जाएंगे। जो मैरिड पर्सन मान लीजिए अगर सुसाइड कर रहे हैं, तो उनको उस तरीके से स्टडी किया जाएगा कि शादी में, मतलब मैरिज एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो बैचलर है, फिर उसके लिए फैमिली या मैरिज का कॉन्सेप्ट आप क्यों देखोगे, फिर उसके लिए आप दूसरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे। तो जैसे बैचलर और मैरिज पर्सन दोनों को दो अलग सोशल टाइप बना दिया डर्खाइम ने, और फिर उस तरीके से स्टडी करी। तो डर्खाइम वॉज एबल टू शो कि सुसाइड रेट्स आर फाउंड मोर अमंग द बैचलर्स। जब इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया, ये डिफरेंशिएशन किया, तब इनको पता चला कि बैचलर्स का सुसाइड रेट ज़्यादा है मैरिड पर्सन से। क्यों? क्योंकि मैरिड पर्सन के लिए एक इंट्रीगेशन होता है, मतलब उनका लाइफ पार्टनर उनके लिए इंट्रीगेशन होता है, बच्चे होते हैं वो इंट्रीगेशन होता है, लेकिन बैचलर की लाइफ में इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं, ज़्यादा इंट्रीगेशन होता नहीं है। लेकिन ये इंडिविजुअल केस पे अप्लाई नहीं है। इंडिविजुअल केस पे क्यों अप्लाई नहीं है, ये पूरे के पूरे बड़े स्तर की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों में ऐसा देखा जा रहा है। हो सकता है कि कोई बैचलर इसलिए सुसाइड कर रहा हो कि वो शादी के लिए लड़की देख रहा था और उसको लड़कियों ने रिजेक्ट किया, या कोई लड़की थी वो इसलिए, तो वो बहुत मतलब पर्सनल हो जाएगा। तो आप पर्सनल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं एज अ जनरल की। तो डर्खाइम ने बहुत ही कंपैरेटिव मेथड्स को यूज़ किया, सेट्स बनाए सोशल फैक्ट्स के, और फिर एक्सप्लेन किया उन चीज़ों को, तब जाके डर्खाइम की जो स्टडी है सुसाइड रेट की, इतनी ज़्यादा आज की डेट में भी क्या है, आज की डेट में भी इतनी वैलिड है। तो डर्खाइम ने यहाँ पर जो है सोशल ग्रुप्स जो हैं देखे थे,
और सोशल ग्रुप्स में कहीं पर हाई रेट ऑफ सुसाइड है, कहीं पर लो रेट ऑफ सुसाइड है, तो फिर इन चीज़ों को कंपेयर किया, डिफरेंसेस को, और फिर जो है उनको एक्सप्लेन किया क्या उनके कारण रह सके होंगे। अब डरकहाइम का एक और सवाल था, डरकहाइम के सामने एक और प्रॉब्लम थी, ये तो खैर एग्जाम्पल है कि 1897 में डरकहाइम ने मतलब डेमोन्स्ट्रेट किया कि इलस्ट्रेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ सोशल फिनोमेना अलग अलग पार्ट्स ऑफ सोसाइटी में अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट रेट ऑफ सुसाइड हो सकते हैं अलग अलग फ्रेंच सोसाइटी में, और वेरियस सेक्शन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी फ्रांस में अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रेट ऑफ सुसाइड थे। सुसाइड रेट इज कैलकुलेटेड बाई नंबर ऑफ, अच्छा ये सुसाइड रेट क्या है मैंने वैसे आपको यहाँ पे बता दिया था, कहाँ बताया था, ये रहा कि सुसाइड रेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, सुसाइड रेट इज कैलकुलेटेड बाई द नंबर ऑफ पर्सन कमिटेड सुसाइड इन वन ईयर इन द पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन। तो सॉरी 1 लाख नहीं है, ये 10 लाख है, ठीक है, 1 मिलियन है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों में कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ गए हम, ये रहे। तो लेकिन डरकहाइम के साथ में एक और प्रॉब्लम थी, डरकहाइम के पास एक और सवाल था कि हाउ इज सुसाइड रेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेल्स एंड द फीमेल्स, रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन, पर्सनल फॉलोइंग कैथलिक, सॉरी पर्सन फॉलोइंग कैथलिक यानी कि कोई भी रिलीजन से जुड़ा हो सकता है, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे तो उन्होंने कैथलिक और प्रोटेस्टेंट का दिखाया कि पर्सन फॉलोइंग कैथलिक रिलीजन और पर्सन फॉलोइंग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, उनमें भी अलग अलग हो सकता है, मैरिड और अनमैरिड में भी अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने इस पूरे के पूरे सोसाइटी के डेटा को जो फ्रेंच सोसाइटी में था उसको इस डेटा को इस हिसाब से क्या किया, इस हिसाब से कैटेगराइज किया, मेल कितने मर रहे हैं, फीमेल कितनी मर रही हैं, मैरिड और अनमैरिड कितने मर रहे हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कितने सुसाइड कर रहे हैं, इस तरीके से इन्होंने सारी चीज की स्टडी करी। सीजन्स और कॉस्मिक फैक्टर्स को भी देखा, क्योंकि फार्मर्स की भी अगर बात करें तो सीजन्स पे बहुत डिपेंडेंट होता है फार्मर के, फसल कब हो रही है कब नहीं हो रही। ही प्रोसेस द डेटा, ही ऑल्सो एग्जामिन द डेटा ऑन द डिफरेंसेज अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड कॉस्मिक फैक्टर। कॉस्मिक फैक्टर जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, ठीक है, आपका बिजली गिर गई, लाइटनिंग हो गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, ये सारे कॉस्मिक फैक्टर्स में आ गए एंड केम टू सम कंक्लूजन आफ्टर वन अदर देन दोज ऑलरेडी प्रपोज। तो पहले से जो प्रपोज थे उनके अलावा इन्होंने अपने कुछ कंक्लूजन भी दिए। इन्होंने देखा कि रेट ऑफ सुसाइड हैड वेरी लिटिल टू डू विद द सीजन्स एंड कॉस्मिक फैक्टर, जैसे डायनामाइट, इवनिंग और नाइट। सीजन्स या कॉस्मिक फैक्टर कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, सॉरी डायनामाइट नहीं, डे टाइम, इन सब चीज़ों से जो है, मतलब ये तो प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, कॉस्मिक फैक्टर में मतलब दिन रात के कॉन्सेप्ट्स वगैरह और सीजन, इन सब का सुसाइड से ज़्यादा उतना कोई लेना नहीं है। सीजन्स की बात करें तो हाँ, फार्मर वाले केस में सीजन्स का जरूर लेना देना है, लेकिन कॉस्मिक फैक्टर डे टाइम, इवनिंग, नाइट, दिन हो रहा है, सुबह हो रही है, इसके हम तो रात को नहीं मरेंगे, सुबह मरेंगे, या सुबह जो है प्रातःकाल संध्या में, मतलब संध्या टाइम में नहीं करेंगे, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में सुसाइड करेंगे, ऐसा कोई भी रीजन इनको नहीं दिखा। द रेट इंक्रीज वेयर द सोशल बॉन्ड्स आर आइदर टू वीक और टू स्ट्रॉन्ग। इनको जो चीज़ें मिली, जो इन्होंने एनालाइज किया सारे की सारी टेबल से और सारे के सारे कैटेगरी से, वो इन्होंने देखा कि या तो जो सोशल बॉन्ड हैं या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेट किया हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है, तो उस वजह से लोग जो हैं सुसाइड कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको सारी की सारी पढ़ाई है, डरकहाइम ने क्या पाया, डरकहाइम के साथ में क्या सवाल थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, जो डिफरेंट सोसाइटीज़ का एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक हमने देखा S1 कंपेरिजन, S2 कंपेरिजन, S3 डिफरेंट सोसाइटीज़ का सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, टाइम टी पर कंपेरिजन करना, तो वो एक टाइप वो था, तो इसको यहाँ पे मैंने अलग से कहीं से देखा था, तो वो सेकेंड टाइप में था। तो ये यूरोप में इन्होंने देखा, तो डरकहाइम ने यहाँ पर देखा कि जर्मनी के अंदर जो प्रोटेस्टेंट, जर्मनी एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है, वहाँ पे प्रोटेस्टेंट रिलीजन को ज़्यादा देखते हैं, और स्पेन एक कैथलिक कंट्री है, तो पूरे यूरोप में इनको, इन्होंने दो तरीके की सोसाइटीज़ को बांटा, एक स्पेन की सोसाइटी जो कैथलिक है, और एक जर्मनी की सोसाइटी जो क्या है जर्मन सोसाइटी को जो है एक प्रोटेस्टेंट सोसाइटी है, स्पेन की सोसाइटी स्पेनिश और एक आपकी जर्मनी की सोसाइटी। यहाँ इन्होंने देखा कि सुसाइड रेट्स वर हायर इन जर्मनी, प्रोटेस्टेंट और ये कौन होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम मैक्स वेबर की बात करेंगे। आप इतना समझ लीजिए, कैथलिक जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को ओरिजिनल फॉर्म में फॉलो करते हैं, प्रोटेस्टेंट मतलब वो बिजनेस वाले उसमें आ जाते हैं,
और वो फिर वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आप अपने फेथ को तो मानो ही मानो लेकिन हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो। तो जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हायर वाली बात होती है, तो इन्होंने देखा कि जर्मनी में लोग जो है ज़्यादा डेथ मतलब मर रहे हैं, जबकि कैथलिक्स उतने जो है सुसाइड नहीं करते, क्योंकि वो रिलीजन को फॉलो करते हैं। और कोई भी रिलीजन सुसाइड को क्या करता है, हर रिलीजन के अंदर क्या है, हमारे आत्महत्या क्या है, आत्महत्या महापाप है, ठीक है, महापाप है। तो कैथलिक्स जो है मतलब हर रिलीजन में सेम ही बातें अलग अलग भाषाओं में, तो कैथलिक्स नहीं ज़्यादा सुसाइड करते। जूस केम स्टिल और जूस भी क्या है बहुत ही कम सुसाइड करते हैं, ऐसा इन्होंने देखा। तो नाउ वी विथ दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। तो डर्काइम ने यही कंपैरेटिव स्टडी करी, एक तो इन्होंने सुसाइड रेट्स बताया, एक इन्होंने रिलीजन का भी कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, टू फिनोमेना देखे कि आपके रिलीजन में भी, रिलीजन भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, आप रिलीजियसली कितने जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी जो कल्चरल वैल्यू है, आपका जो रिलीजन है, आप उससे कितने जुड़े हुए हैं, वो चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि जो रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता होगा उसके दिमाग में यही होगा कि नहीं, आत्महत्या क्या है, महापाप है। तो वेरिएशन और चेंजेस जो हैं एक के दूसरे में चेंज लेके आ सकते हैं। सुसाइड रेट जो है रिलीजन को भी क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, और रिलीजन सुसाइड रेट को भी अफेक्ट कर सकता है। और इसी तरीके से ये दे वेरी और चेंज टुगेदर, ये साथ साथ वेरी और चेंज हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉनकॉमिटेंट वेरिएशन। इस वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा कल को अगर इस पर कोई शॉर्ट नोट आता है, कॉनकॉमिटेंट, ठीक है, आप कमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सुसाइड कमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कॉनकॉमिटेंट वेरिएशन कहते हैं कि आपका रिलीजन जो है और सुसाइड रेट, ये एक दूसरे को आपस में क्या है, अफेक्ट कर सकते हैं, वेरिएशन और चेंज अकरिंग टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक यही स्टडी करी थी, वो भी मैंने आपको दिखा दी है कि रिलीजियस फेथ, अगर आप प्रोटेस्टेंट की बात करेंगे, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलप, एक सेकंड रुक जाना यार, कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई, ठीक है, प्रोटेस्टेंट में भी लेवल ऑफ, यहां पर इसको लो कर लो भाई, ठीक है, ये कैथलिक्स में लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं होता। तो कैथलिक्स में सुसाइड रेट भी लो है और प्रोटेस्टेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई है, तो सुसाइड रेट भी हाई है। तो ये जर्मनी का केस था, ठीक है, तो इसको मैंने बता दिया है। डर्काइम ने एक सॉल्यूशन भी दिखाया था कि ही टुक ओनली वन कंट्री, कि अगर आप सिर्फ एक ही कंट्री की बात करो, दो कंट्रीज़ की या दो सोसाइटीज़ की बात ना करो, तो फिर आप ये देखोगे कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या है, ठीक है, डिफरेंसेस आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। देन स्टडी वॉज डिज़ाइंड, कैसे स्टडी को डिज़ाइन करोगे, फिर आप टाइम फ्रेम पर डिज़ाइन करोगे। तो भाई एक जगह आपने दो सोसाइटी वन में आपने क्या है जर्मनी को रखा, एक में इसमें स्पेन को रखा, तो दो अलग अलग सोसाइटी हो गई। आपने दोनों सोसाइटीज़ का लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लिया और उनका रिलीजन भी देख लिया और उस हिसाब से आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। लेकिन अगर मान लो सिर्फ एक ही कंट्री में देखो, जर्मनी जर्मनी में देखो या स्पेन स्पेन में ही देखो, तो फिर कैसे करोगे। तो डिफरेंसेस आप रिलीजियस फेथ में देख सकते हैं, एक ही देश के अंदर फिर आप प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स भाई मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे ना ये, तो कैथलिक प्रोटेस्टेंट के डिफरेंस को, एक ही डिफरेंस इन रिलीजियस फेथ को भी आप देख सकते हैं, फिर आप सुसाइडल ये मान सकते हैं। सो दिस इज कॉनकॉमिटेंट वेरिएशन, इसी को कहते हैं। तो कल को आ जाए तो घबराना मत, कॉनकॉमिटेंट वेरिएशन क्या होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर कुछ एमाइल डर्काइम की थ्योरी से, आप लोग पूछते हो ना कि कैसे पढ़ें, तो ये द हिंदू के कुछ आर्टिकल्स हैं और द इंडियन एक्सप्रेस के भी हैं, द वायर के भी हैं मेरे पास। स्ट्रेस एंड एंजाइटी राइज अमिड पेंडेमिक, ठीक है, सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इन प्लेस ऑफ द वल्नरेबल, साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये रीडेबल फॉर्म में है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। डिप्रेशन है, बाई डायरेक्शनल ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी कुछ हैं, ठीक है, साइको सोशल इशू में आता है ये। लेटेंट डिसफंक्शन ऑफ COVID-19 लॉकडाउन सुसाइड एमाइल डर्काइम की थ्योरी से यहाँ पर ये रिलेट करते हैं। दूसरा है, जैसे कि इंडियन फार्मर्स की बात करें, मराठावाड़ा रिपोर्ट्स ओवर 300 फार्मर सुसाइड हाईएस्ट इन भीड़ नाम की एक जगह है, वहाँ पे हाईएस्ट मिले। तो इस तरीके की अगर कोई भी आपकी, तो ये एग्रेरियन डिस्ट्रेस से जुड़ी हुई है, एमाइल डर्काइम की थ्योरी है और ये एग्रेरियन डिस्ट्रेस पेपर टू में आप पढ़ेंगे, एग्रेरियन डिस्ट्रेस उससे भी जुड़ी हुई है। तो ये दो चीज़ों को आपके यहाँ पर क्या करती है, 413 फार्मर्स ने सुसाइड करी थी,
ठीक है, पहले 6 महीने में, और 310 फार्मर्स ने सुसाइड करी थी इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द मराठवाड़ा विटनेस 310, और ये जो है उससे पिछले साल की बात करें लास्ट ईयर की तो 413 ने करी थी। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हो, एवरी ईयर नियरली 400 सुसाइड आर रिपोर्टेड फ्रॉम मराठवाड़ा इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द एवरेज, बाई द एंड ऑफ द ईयर ये 1000 तक भी पहुँच जाती हैं, ये ऑफिशियल डिवीज़न कमिश्नरेट का कहना है। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पर ये और ज़्यादा हो गई थी, इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिलता है। ठीक है, फार्मर्स वर ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द इंश्योरेंस कंपनसेशन जो उनके परिवार वालों को जो है मतलब मरने पे मिलता है, वो सब चीज़ें। तो ये आप चीज़ों को ऐसे पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो वरीड जर्मन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर किल्स इटसेल्फ, कि जब कोविड 19 चल रहा था तो जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी खुद की सोसाइटी मतलब खुद को खुद सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो भाई फाइनेंस मिनिस्टर है और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इतना ज्यादा था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। तो जैसे एग्रेरियन डिस्ट्रेस की वजह से फार्मर बने, तो ये सुसाइड एमाइल डर्खाइम के सिलेबस टॉपिक से मिलता है। तो ऐसी चीजें आप जो है कोट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, पढ़ा आपने वही है जो सबने पढ़ा है। इट प्रिसाइसली ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम दैट वुड बी नीडेड, अब इसमें से लिखना कुछ नहीं है, बस ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। लेकिन जब कोई ऐसा आर्टिकल आता है तो उस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना है। IPC लॉ आए हैं सुसाइड के ऊपर, और ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि IPC लॉ, इंडियन पिनल कोड के जो लॉ है, यानी कि सुसाइड इज एन क्रिमिनल ऑफेंस, वो रिडंडेंट हैं। नाउ सुसाइडल अटेम्प्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द लॉ, तो कौन सा लॉ है हमारे देश में? सेक्शन 309 है वो, सेक्शन 309 ऑफ IPC। कैसे पता चलेगा? जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है, पनिश्ड अंडर द सैड कोड सेक्शन 309 IPC। ठीक है, सेक्शन 115 भी है 2017 में, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट द कमिट सुसाइड शैल बी प्रज्यूम्ड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज टू हैव सीवियर स्ट्रेस। ठीक है, आर्टिकल 309 IPC का, और ये मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट है, MCHA एक्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। यहां पर देखो द सेक्रेड इंडियन गेम्स एज रिवर हैज बिकम साइट्स वेयर सेक्रेड एंड द पॉल्यूटेड को एग्जिस्ट, अवर बिलीव अबाउट द सेक्रेड नो लॉन्गर करस्पोंडेंस विद अवर इंस्टीट्यूशन एंड सैंक्टिटी। तो ये मैंने जो सेक्रेड एंड प्रोफेन वाला बताया था उसका आर्टिकल है, द हिंदू में आया था ओपिनियन वाले कॉलम में, द इंडियन सेक्रेड गेम्स के नाम से। तो ऐसे आप चीजें पढ़ेंगे। एक ये है, इसको मैं आपको टेलीग्राम में दूंगे, इसको पढ़िएगा, उसका जिस्ट मैंने दे रखा है, काफी लंबा आर्टिकल है, उसका जस्ट मैंने यहाँ पर दे रखा है, इसको पढ़िएगा। रिलेटेड टॉपिक क्या है? सोशल कैपिटल, एमाइल डर्खाइम का एनोमी, कार्ल मार्क्स और सोशल कोहेशन, ये सब पे मतलब ये जो पूरा आर्टिकल था इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की बात करी गई, कोरोना एंड सोशियोलॉजी एंड सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और रिलीजन और साइंस के बारे में जो मैंने बताया है कि कैसे कौन कॉम्पटेंट आपका वेरिएशन होता है, वो रिलीजन एंड साइंस का मैंने यहाँ पर समझा भी दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, पहले दिन से मैंने दे रखे हैं, जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपकी नज़रों के सामने हैं, आप इनको करिए। ठीक है, इनको करिए आप, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए, इतने भी क्वेश्चन लिख लोगे तो भैया बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, और पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स अगर आपकी क्वेरीज हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।